चिली एंड गार्लिक के तमाम व्यूअर्स को आज के इस नए वीडियो में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चपली कबाब, जो कि शामी कबाब या गलावटी कबाब इन सब से अलग हैं और इन सब से टेस्ट भी अलग है। तो बनाते हैं फिर। चपली कबाब बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो कीमा, मटन कीमा है ये। उसके साथ एक प्याज चॉप की हुई, एक मुट्ठी हरा धनिया चॉप किया हुआ, एक से दो मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप किए हुए, एक बड़ी हरी मिर्च चॉप की हुई, डेढ़ टीस्पून नमक, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून अनारदाना, एक टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया पाउडर, और ये हमने लिया है बेसन जो कि हमने भून लिया। इसके साथ ही हमने एक टेबलस्पून अदरक का पेस्ट लिया। कीमा हमने पीस लिया है और इसमें हम डालेंगे अदरक का पेस्ट। इसको मिलाएंगे, हाथ से मिलाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ ही मिला देंगे ये पाउडर्ड मसाले सारे। इसके साथ ही ये हम हरे मसाले मिला देंगे इसमें। और ये टमाटर हमने इसका गूदा अलग करके और तब हमने ये इसमें डाला है, क्योंकि गूदे से ये थोड़ा पतला हो जाएगा बैटर, तो इस वजह से गूदा हमने नहीं डाला है। अब इसे मिलाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए कीमा कितना कलरफुल हो गया। फ्लेम हमने ऑन कर दिया, हमने पैन में लिया है क्वार्टर कप ऑयल और अब हम कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो पानी की मदद से बनाएं कबाब तो हाथ पे चिपकेंगे नहीं। इनका कोई ख़ास शेप नहीं होता है और ये अपना शेप खुद ही बना लेते हैं। तो थोड़े बड़े बड़े बनाएं। एक साइड से फ्राई हो जाएं तो पलट देंगे इनको और दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। कबाब फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और ये अपनी मर्ज़ी का खुद ही शेप ले लेते हैं और सिकुड़ जाते हैं थोड़े से। आप चाहें कितना ही बड़ा बनाएं और पतला बनाएं। जब भी हम किसी भी तरह के कबाब फ्राई करते हैं, जैसे शामी कबाब हो या कच्चे गोश्त के कबाब हो, तो उसके जूसेस जब ऑयल में मिलते हैं या उसका मसाला मिलता है तो ऑयल थोड़ा काला हो जाता है या ख़राब हो जाता है, इससे उसके मज़े में कोई ख़राबी नहीं आती है। चपली कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं, अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे, क्योंकि खाना तब ज़्यादा मज़ेदार लगता है जब वो प्रेजेंटेबल हो, उसका प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त हो।
चपली कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं, आप ज़रूर बनाएं इसको। और ये विंटर स्पेशल है, और जब भी बनाएं मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक नए वीडियो में नई डिश के साथ फिर हाज़िर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।